ये अरीबा भी आ गई है। जी एक टैग हमारे पास है जी, रूबी टैग। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा, इसका नाम है रूबी। तो मैंने टाइटल में इसलिए लगा दिया है रूबी टैग। अब यहाँ पर मैं एक हेडिंग लगा रहा हूँ, फर्स्ट करें मैच टू ही लगा देता हूँ। उसके अंदर मैं लॉरम यूज करता हूँ ताकि मेरा पैरा लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ जाए, मुझे लिखना ना पड़े। अब देखिए बेटा, हमारे पास यहाँ पर एक टैग है रूबी टैग, ठीक है, जो ऊपर मैंने लिख दिया है उसका नाम। तो इस टैग को हमने यूज कैसे करना होता है, इसका तरीका कार क्या है यूज करने का? तो हम यहाँ लिखते हैं जी रूबी। ये देखो ऊपर टैग आ गया रूबी। रूबी टैग के अंदर बेटा दो चीजें होती हैं, एक होता है RB और एक होता है RT, टेक्स और बॉर्डर उसका। हाँ जी, एक है हमारे पास RB, और एक हमारे पास टैग इसमें यूज होता है, सॉरी यार पूरा रूपे लिखा गया, RB लिखा हुआ RB, ये टैग। एक इसके साथ हमारे पास होता है और RT टैग। ठीक है, ये दो टैग यूज होते हैं। अब इनका जरा जो मकसद जरा समझिएगा, इन दोनों का मकसद क्या है। अब मैं यहाँ बी के अंदर फर्ज करें मैं लिख देता हूं जी एस एम सीरीज, एस एम सीरीज 1 4 3। अब देखिए इसे मैंने कंट्रोल एस कर दिया है, और जरा मैं इसको मैं जरा सबलाइन अपना अपना उसमें जरा ओपन करूँ, इसको चेक करें जरा। इसमें हमने क्या नाम रखा था, वेब वेब सेकंड का नाम। हाँ जी, कंट्रोल एस किया तो हाँ जी, ये देखिए जरा, ये हमारे पास एक पैरा लिखा हुआ आ गया। ठीक है, यही लिखा था ना हमने, तो लाइट चली गई है। चल देखो मैं लाइट। हाँ जी बेटा, देखिए हम जरा। हाँ जी, ये देखिए हेडिंग हमने बेसिकली ये गलती कर दी थी, हमने इसको हेडिंग में दे दिया था, इसको बेसिकली हमने एक पैराग्राफ बनाना था, तो इसलिए उसने हेडिंग बना दी है सारी। तो मैं इसको पहले हेडिंग को ही देता हूँ जी। तो हेडिंग के अंदर मैं लिखता हूँ जी रूबी टैग, यहाँ पर मैं एक पैरा बनाता हूँ जी बी, और इसको यहाँ पर मैं सब देखिए कंट्रोल एस किया मैंने, जरा चेक कीजिएगा। हाँ जी, आप देखिए बेटा, अब देखिए बेटा। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है? जी बेटा, आवाज आ रही है? हाँ यस सर। जी बेटा, ये देखिए एक रूबी टैग का मैंने ये एक पैरा लिख दिया है, और ये देखिए ISM सीरीज को मैंने रूबी टैग में लिखा था। रूबी टैग के अंदर देखिए मैंने कहा इसको यूज किया था, RB के अंदर यूज किया था, लेकिन उसने उसको इसके साथ ही मिला दिया है। ठीक है, तो अब बेसिकली अब इसका मकसद क्या है, मैं यहाँ RT यूज करता हूँ कि SM सीरीज मेरा क्या है। अब मैंने इसे पैराग्राफ के अंदर ऐड तो कर दिया इस वर्ड को, तो ये बेसिकली है क्या?
मैं कहता हूँ ये मेरा एक YouTube चैनल है, मैं एडिकेट करना चाहता हूँ कि ये क्या है, एक माई YouTube चैनल। मैंने इसको लिख दिया माई YouTube चैनल। मैं इसको जरा बेसिकली बोल्ड कर दूं थोड़ा सा, ताकि आपको ये वाज़ह नजर आए। इसको बोल्ड करने के हाँ जी, देखिए कंट्रोल एस। अब जरा इसके देखिएगा रूबी टैग का काम क्या। हाँ जी बेटा, कुछ समझ आई है? हाँ जी, नजर आया ऊपर क्या लिखा आ गया है? माई यूट्यूब चैनल, ठीक है, कि एसएम सीरीज के ऊपर उसने क्या लिख दिया है? माई यूट्यूब यस सर चैनल लिख दिया है, कि उसने इंडिकेट कर दिया कि ये असल में क्या है, ये एक चैनल का नाम है। मैंने उसे इंडिकेट किया था ना, उसको देखे मैंने, नेम है। हाँ जी, कि मैंने उसको बताया था, टाइटल ऊपर दे दिया था कि ये मेरा टाइटल ऊपर शो हो जाए कि ये मेरा जो ये है, मैंने ये लफ्ज लिखा है या ये जो मैंने पैराग्राफ के अंदर ये चीज ऐड की है, ये बेसिकली है क्या, ये मैंने ऊपर लिख दिया कि माय यूट्यूब चैनल, ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है। ठीक, अगर मैं इसको मार्क कर दूं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा और वाजह हो जाएगा। ये क्या लग गया है, मार्क। अब इसको जरा मैं इसको खत्म करके, हाँ जी, इसे कंट्रोल एस करता हूँ, आप जरा देखिएगा। हाँ जी, नजर आ गया बेटा। हाँ बेटा, रूबी टैग का समझ आ गई कि रूबी टैग किस लिए यूज होता है, कि अगर हमने पैराग्राफ के अंदर कोई ऐसी चीज यूज करनी है, कोई ऐसी चीज यूज करनी है कि जिसका हम चाहते हैं हिंट देना चाहते हैं, कि हमें पता चले कि ये बेसिकली क्या है, तो उस वक्त क्या करेंगे, हम रूबी टैग का यूज करेंगे। अब बेटा एक और बात यहां पर मैं जरा आपको इंडिकेट करता चलूं, कि हमने जब वर्क करना होता है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कीबोर्ड में नहीं है, और हमने वो भी तो लिखनी होती है। अब जरा देखें, मैं एक पैराग्राफ, या फर्ज करें मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ कि मैं ये एसएम सीरीज के आगे मैं लिखना चाहता हूँ पी, ये लिखना चाहता हूँ। अब देखें, मैं कंट्रोल एस करूंगा तो क्या ये ऐसे लिखा हुआ आ रहा है मेरे एसएम सीरीज के आगे? देखो, उसने उसको पैराग्राफ बना दिया है माय यूट्यूब चैनल को। यहाँ मैंने लगाना नहीं था, एसएम सीरीज के साथ लगाना था, उसने इसको कहा ये गलत लग गया। फिर यहाँ पर लिखता हूँ, बस करें एक पैराग्राफ लेता हूँ मैं ये। पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूं जी, माय प्रोडक्ट आगे मैं लगा देता हूं ये। अब इसे चेक करता हूं क्या ये आता है आगे लिखा हुआ, क्योंकि आना तो चाहिए जैसे हम चाहते हैं। अब देखें, माय प्रोडक्ट तो आया है, लेकिन हमने इस जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर पी डाला था वो नहीं लिखा हुआ है। मेरा बात समझ आ रही है, कि हम चाहते थे कि हमारे प्रोडक्ट साथ लिखा हुआ है एंगल ब्रैकेट्स के अंदर पी।